नमस्कार छात्रों, कक्षा 12 हिंदी टॉपिक है आज आपका विसर संधि। तो हमने स्वर संधि भाई जो है आपको बता दिया है, व्यंजन संधि भी बता दिया है और आपकी अंतिम संधि चल रही है विसर संधि। विसर संधि में आप देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप विसर संधि में अगर देखेंगे तो विसर का चिन्ह आप ऐसे लगाते हैं, ठीक। अगर आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि विसर के बाद, विसर के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन आए, विसर के बाद कोई स्वर आ सकता है या व्यंजन आ सकता है। अगर ऐसे दो वर्ण या स्वर भी आएंगे या व्यंजन आएंगे, वर्ण आते हैं तो विसर में जो परिवर्तन होगा, विसर के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और इन व्यंजनों के आने के बाद विसर में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विसर संधि कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ जो पद, दो पद हम लिखेंगे संधियों में, दो पद बनेगा प्रथम पद और द्वितीय पद। दोनों पदों में क्या होता है, प्रथम पद में अंतिम पद और द्वितीय पद में प्रथम पद। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसी को हम विसर्ग संधि कहेंगे। एग्जाम्पल हम देख देते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है कक्षित, कक्षित लिखा है, कर्षित का संधि छेद करेंगे तो क धन चित लिखेंगे और जहाँ पे विसर्ग होता है देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, सा हो गया। ये नियम है और ये नियम आप पढ़ेंगे इस संधि। तो विसर्ग संधि में आपकी पहली संधि है सत्व संधि। विसर्ग संधि में आपकी पहली संधि है सत्व संधि और सत्व संधि का सूत्र होता है विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य सः ये इसका सूत्र होता है। और ये सूत्र जो होता है, ये सूत्र है ये सत्व संधि का सूत्र है। ये बताता है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से, अब देखिए हमने प्रत्याहार बताया था खर प्रत्याहार, तो खर प्रत्याहार में आपके वर्ग का प्रथम में प्रथम वर्ण आएगा, द्वितीय वर्ण आएगा, ये ओम तीनों साथ आएंगे। बात समझ में आ गई। खर प्रत्याहार में वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण का मतलब जैसे का हो गया, खा हो गया, का हो गया, च हो गया, टा हो गया, ता हो गया और पा हो गया। इन तीनों में वर्णों में से ये हो सकते हैं और तीनों आपके सा। उसके बाद द्वितीय वर्ण भी होगा, खा होगा, छ होगा, ठा होगा, था होगा, फा होगा। अब आप देख लीजिए ये कह रहा है, थोड़ा सा इसे समझिए आप एक बार। खर प्रत्याहार में जो होता है, खर प्रत्याहार हमने जो है एक बार प्रत्याहार की चर्चा की थी, हमने आपको बताया था कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्गों के, यानी कि पांच वर्ग होते हैं, सभी वर्गों के प्रथम वर्ग प्रथम अक्षर आएगा, द्वितीय अक्षर आएगा एवं तीनों शा आएंगे। अब देख लेते हैं का च ता, था, था हो गया पा। ये वर्ग है, ये का वर्ग हो गया, ये खा चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग हो गया। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद तीनों सा, उसके बाद कह रहा है द्वितीय वर्ग आएंगे, द्वितीय व्यंजन आएंगे तो खा आ सकता है, छा आ सकता है, ठा सकता है और था सकता है, हा सकता है। इतने वर्ण आएंगे और तीन सा आएगा। इतने वर्णों के आने के बाद कह रहा है आए तो विसर्ग के स्थान पे, जहां पे विसर्ग लगा होगा उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सब में सा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सब में सा हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए कहां पे क्या होगा, यहां देख लीजिए यदि विसर्ग के बाद, कहा विसर्ग के बाद च आ रहा है, छ आ रहा है, श आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, विसर्ग के बाद च छ श आ रहा है तो वो जो परिवर्तन होगा विसर्ग के स्थान पे तो क्या लगेगा, सा लगेगा, तालब भी सा लगेगा, जिसको तालब श बोलते हैं।
उसके बाद दूसरी कंडीशन, यदि विसर्ग के बाद आपका का आ रहा है, खा आ रहा है, टा आ रहा है, ठा आ रहा है, पा आ रहा है, ठा आ रहा है, तो इनके स्थान पे विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धा सा हो जाएगा, इसको खसकोड वाला सा बोलते हैं, मूर्धा सा हो जाएगा। उसके बाद यदि बचा आपका का आता है, विसर्ग के बाद का आता है और ता आता है, तो उसके स्थान पे क्या होगा, सा होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, फिर से देख लेते हैं। विसर्ग के बाद हमने बताया कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार वर्णों में से कोई वर्ण आए, खर प्रत्याहार में प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तीनों सा होता है, आए तो विसर्ग के स्थान पे सा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब पे सा नहीं होगा, कब क्या होगा हमने बता रहे, चा छा और शा, अगर चा छा सा आते हैं विसर्ग के बाद तब तालब्य सा होगा विसर्ग के स्थान पे, क ख ट ठ प फ आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धा सा होगा, और अगर का और ता आ रहा है तो क्या होगा, सा होगा। चलिए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इतस्था लिखा है, इतस्था लिखा है, इतस्था लिखा है। अब आप देखिए विसर्ग के स्थान पे कौन सा वर्ण आ रहा है, ता आ रहा है। विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, ता आ रहा है। अब विसर्ग के बाद ता आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे क्या लगेगा, सा लगेगा, सा लिखा गया है यहाँ पे, देखिए हो गया इतस्था, सा लग गया। उसके बाद चंद्र अस्तम लिखा है, देखिए चंद्र अस्तम लिखा है, विसर्ग के बाद ता आ रहा है, और जहां पे विसर्ग के बाद ता आएगा वहां पे क्या लिखेंगे, सा लिखेंगे, तो वहां पे क्या लिखे हम, सा लिख दिए, यहां सा लिख दिए। उसके बाद लिखा है नमस्ते, नमाधन अस्ते, नमाधन अस्ते। अब नमा के देखिए विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या रहा है, सारा, तो सारा सा कौन सी से लिख देंगे, ठीक। उसके बाद निधन से निश्चय लिखा है, अब देखिए विसर्ग के बाद चा आ रहा है, और विसर्ग के बाद जब चा होगा तब हम वहां पे क्या लिखेंगे, तालब्य सा लिखेंगे, विसर्ग के स्थान पे तालब्य सा लिख दिए, हो गया संतुलित, ठीक। उसके बाद लिखा है चतुष्टिका, चतुष्टिका लिखा है, अब चतुर्धन टीका विसर्ग के बाद टा आ रहा है, विसर्ग के बाद अगर टा आएगा तो हमने बताया था क्या लगेगा, मूर्धा सा लगेगा, तो यहाँ पे मूर्धा सा हो गया। बात आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है तो एक बार फिर से हम पुनरावृत्त कर देते हैं। विसर्ग संधिवा संधि होती है जिसमें स्वरिया व्यंजन होने पर विसर्ग के बाद क्या होता है, कोई भी स्वरिया व्यंजन आए तो विसर्ग के स्थान, जो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा तो वहां पे विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि में आप पहली संधि पढ़ेंगे सत्व संधि, सत्व संधि का सूत्र होता है विसर्जनीय से अस्था, विसर्जनीय सह। उसके बाद ये कहता है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से, और खर प्रत्याहार वर्णों में वर्गों के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तीनों सा आते हैं, में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, श श श हो जाता है, यानी कि तीनों श हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब तीनों श कब आएंगे, हमने बता दिया यदि विसर्ग के बाद, संध्या देखेंगे विसर्ग के बाद चा छ और श आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे तालब्य श हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने बताया यदि विसर्ग के बाद का खा टा ठा पा फा आए तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धा सा हो जाता है। फिर हमने बताया कि यदि विसर्ग के बाद का या ता आए तो विसर्ग के स्थान पे सा हो जाता है। तो इस प्रकार से आज पहली संधि आपकी विसर्ग संधि की समाप्त होते हैं सत्व संधि, तो दूसरी संधि आपको पढ़ाएंगे कल की वीडियो में। नमस्कार।